Alright guys, so we are heading towards Kushma Bridge. हमने सोचा था कि हम लोग डेविस वाटरफॉल और पहला लेक पहले कर लेंगे, लेकिन आज जो है हमने कहा कि कुशमा ब्रिज कर लें क्योंकि वो सरफ कोर्ट से ज़्यादा करती थी, तो अपन को वो करते जा रहे हैं। तो ये प्लान है कि आज मैं बंजी जंप करने वाली हूँ। आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड एंड पम्प्ड अप टू डू दैट बंजी जंप। रास्ता आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ जी दोस्तों, देख रहे हैं ये हसीन मंजर। मतलब मैंने दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है यार, देखना चाहिए। मैं कहती हूँ ये जितनी छोटी जिंदगी है ना, अपनी जिंदगी को खूब इंजॉय करो। सरंगकोट से कुशमा का ये रोड बहुत ही हसीन था। नो डाउट ये रोड हमारी नेपाल की अब तक की सबसे फेवरेट रोड बन चुकी थी। सरंगकोट से कुशमा ब्रिज का ये रास्ता ऑलमोस्ट 46.5 किलोमीटर का था, मगर आई कैन इजिली से दिस, ये रास्ता कब और कैसे खत्म हुआ पता ही नहीं चला। यार भाई बॉस, नेपाल जो है ना गेम अप है भाई, आप ये चेक करें। उफ, मतलब इतनी ग्रीनरी है एंड आई जस्ट स्टॉप्ड। मतलब मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पर रुक के ना थोड़ी सी वीडियो बनानी चाहिए। इट्स सो प्रिटी। गर्मी है लेकिन इट्स वर्थ इट। मतलब मुझे कोई मसला नहीं है इस गर्मी से, जहाँ मुझे अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं राइडिंग का। यहाँ पर जो रूट है कोई खूबसूरत रूट है। बाबा डू यू हैव एनीथिंग टू से? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मजा करें और मजा करने दें, बिल्कुल बहुत मजा आएगा आपको। नेपाल इज अ वंडरफुल कंट्री, साइट सीइंग बहुत खूबसूरत है और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अभी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो डिस्कवर करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे स्क्रीन के थ्रू। बिल्कुल, अभी हम लोग जा रहे हैं, एक है कुशमा ब्रिज, तो वहाँ से मुझे बंजी जंप करनी, तो मैं वो करूँगी एंड बाबा फाइनली अप्रूव्ड, वरना वो डर रहे थे। यस, सो वी आर गोइंग देयर, सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑफ दैट टू, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। जैसे जैसे कुशमा का ये रास्ता करीब आते जा रहा था, वैसे वैसे मेरा डर बढ़ते चले जा रहा था। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि कुशमा ब्रिज की ये जो बंजी जंप है जो कि मैं करने जा रही थी, ये ऑलमोस्ट 228 मीटर्स यानी कि ऑलमोस्ट 750 फीट की इसकी हाइट थी। इट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड हाईएस्ट बंजी जंप इन द वर्ल्ड। अगेन, सो हम लोग अब हैं रास्ते में, छोटे छोटे पिट स्टॉप ले रहे हैं। यार बहुत ही हसीन नज़ारे हैं यहाँ के, आप ये देख सकते हैं पीछे रोड जा रही है। बाबा की बाइक है और ये मेरी बाइक है। आज हम लोग बिल्कुल कैजुअल निकले क्योंकि जाहिर सी बात है यार, वो बार बार बाइक नहीं, हाँ एग्जैक्ट नहीं, जैकेट तो मैं पहनती हूँ लेकिन बाइक्स का वो गियर्स पूरा पहनना बड़ा मुश्किल है। ये देखें आप ज़रा कितना खूबसूरत व्यू है बाबा जी। बहुत मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई बेशक। We'll be right back.
तीन चेक करें। तीन बस यार रुक गए आई है देख के बाबा। कुशमा ब्रिज का रास्ता है यहाँ पर जो है ना, बाय द वे गूगल मैप्स काम नहीं कर रहे तो ये बड़ा अजीब सा, हमने लोकल से पूछ के आए क्योंकि मैप से नहीं बता रहा था रास्ता। नेपाल में कई दफा गूगल मैप्स सही नहीं चलता था जिसकी वजह से हम रस्तों में काफी दफा भटक भी जाते थे, मगर थैंक्स टू द लोकल्स देयर हु वर वेरी गुड व्हेन इट केम टू गाइडिंग लोकेशंस। एनीवे इफ यू आर ट्रैवलिंग टू नेपाल देन यू मस्ट डाउनलोड अनदर ऐप दैट इज विद द नेम map.me। आई हर्ड गुड रिव्यूज अबाउट इट बट अनफॉर्चुनेटली जस्ट आफ्टर द ट्रिप। इट्स अ फ्री ऐप वेयर यू कैन डाउनलोड द मैप बाय रीजंस एंड यूज द नेविगेशन एंड सर्च फंक्शंस इवन व्हाइल यू आर ऑफलाइन। और यहां से हम कूदने वाले हैं। अरे बाप रे, Assalamualaikum everyone. So finally, I always wanted to do bungee jump, and this is the place that I am gonna do my bungee jump for the very first time. 228 meters drop hai iska. It's Kusuma Bridge. आप देख सकते हैं। So इसकी वीडियो भी पूरी होगी। मैंने इसमें जो पैकेज में डलवाया है उसमें वीडियोग्राफी भी डलवाई है। So probably सारा शूट हो रहा होगा। डर लग रहा है, but let's just do this. क्योंकि कभी कभी आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप डरते हैं हमेशा। So yeah, let's do it. गजल जा रही हैं, ये बंजी जंपिंग करने जा रही हैं और मुझे इन्होंने ड्यूटी दी है कि मैं इनकी वीडियो बनाऊँ। अच्छा है मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मेरी ब्रेव बेटी है, अल्लाह ताला अच्छी तरीके से ये एंजॉय कर ले, इसी में अब खुश हो जाते हैं। ये जंप मैंने द क्लिफ नेपाल के साथ करी थी। दिस जंप कॉस्टेड मी अराउंड 9000 NPR व्हिच इज ऑलमोस्ट 19000 NPKR। दिस कुड हैव बीन लेस मगर मैंने वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी का पैकेज भी इसमें शामिल करवा दिया था क्योंकि मुझे अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस फुली रिकॉर्डेड चाहिए था। एनीवे द कॉस्ट आल्सो इंक्लूडेड अ सुवेनियर शर्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ब्रेवरी एंड अ रिफ्रेशमेंट टोकन व्हिच यू कैन यूटिलाइज इन देयर रिसॉर्ट दैट इज लोकेटेड ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रिज। मोरओवर आल्सो कीप इन माइंड इफ देयर इज समबडी अकॉम्पनीइंग यू जस्ट लाइक माय डैड डिड दे विल चार्ज एन एक्स्ट्रा 500 NPR एज एन एंट्री टिकट। है वो ब्रिज जो कुशमा ब्रिज कहलाता है और ये है इसकी अदर साइड और ये है वो प्लेटफॉर्म जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है। अभी इनकी ब्रीफिंग होगी अंदर, उसके बाद वो यहाँ से जंप करेंगे विच इज़ डे डाउन। ये गजल खड़ी हुई है अंदर, प्रिपेयर हो रही हैं अभी, आपको अंदर से शीशे में से नहीं नज़र आएंगी। जब ये बाहर प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो मैं दिखाऊँगा आपको कि हमारी बिटिया टार्जन बनी हुई है आज। अल्लाह ताला इनको खैर खैरियत से ये इनकी जंप करवा दे क्योंकि उनको शौक बहुत था। तो मैंने कहा अच्छा भैया आप अपना शौक ज़रूर पूरा करें। और ये गजल प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, आ गई हैं बल्कि आपको नज़र आ रही है येलो शर्ट में। Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Here we go, Gajal. 3, 2, 1, bonzi. ये चली गई हूँ, देखिए कितनी नीचे गई हूँ माशाल्लाह। To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the drive.
driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. मुझसे ये सवाल काफी पूछा गया था कि आफ्टर द जंप हाउ डिड यू कम बैक अप. सो गाइज हियर इट इज. वंस माय जंप वाज कंप्लीटेड आई रन विद द रोप अटैच्ड टू इट केम डाउन द बंजी कॉर्ड. आई देन क्लिप्ड द रोप टू द बंजी हार्नेस विद द कैराबाइनर. ओ आई किड यू नॉट दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द जंप. क्योंकि आपको बॉडी क्रंच करके अपने हाफ बॉडी का वेट हवा में उठाते हुए ये क्लिप करना पड़ता है जिसकी वजह से आई स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर गुड 20 to 30 seconds. एनीवे वंस इट्स कनेक्टेड यू गिव द साइन टू ऑपरेटर्स अप बाय लीविंग योर बॉडी एंड हैंड्स ऑन द side. Once they see the sign, the automated pulley system is activated, pulling the person back up. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past, start a... Gajal! Yeah, we're going to go there. माशाल्लाह इनका दिमाग यकीनन घूम गया होगा. ओह ग्रेट. Jump is completed. To sum it up, I would say anyone who is coming to Nepal must try this jump. I will not say ki dar nahi lagta. Dar bahut lagega, but trust me, the second you jump, sab dar aap bhool jate hain and enjoy karne lagte hain. It was definitely one of my first and best experience so far, and I'm glad I didn't chicken out. Wo kehte hain na, dar ke aage jeet hai. I would also like to say thanks to my amazing Baba Jani for all the love and support and push, because without him, this wouldn't have been possible. So I just did bungee jumping, guys, aur mera haath aap log dekh sakte hain. Literally. मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि मैं किधर जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ. बट इट वॉज रियली नाइस. मैं कहती हूँ कि ऐसे एक्सपीरियंसेस इंसान को करने चाहिए. तो हेलो बाबूजी, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं थोड़ा सा शुरू में जरा घबराया था, फिर मैंने तुम पे आंचल कुर्सी पड़ के फूंक दी तो खत्म, सब कुछ सही हो जाता है. हाँ, ये भी फोटो खींच. हाँ जी, ये देखें इस तरह की थी भाई ये बंजी जंप. और मैं यहाँ से कूदी हूँ. Oh my God, I still can't believe it. By the way, यहाँ पे ना कि सिर्फ बंजी जंप बल्कि स्विंग जंप, स्काई साइकिल, मिनी स्विंग, विशिंग हैंड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज आप लोग अवेल कर सकते हैं इफ यू आर विजिटिंग दिस प्लेस. हाय बाबा, थैंक यू सो मच बाबाजू. वेलकम. क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और हमें दूसरा खुशमा ब्रिज भी टच करना था जहाँ पर हमें बाइक चलानी थी, तो हम लोग इनके रिजॉर्ट नहीं जा सके और बस आफ्टर द जंप हमने अपना वापसी का रुख मोड़ लिया. बट कोई नहीं, कुछ चीजें अगली दफा के लिए भी छोड़नी चाहिए. टिल नेक्स्ट टाइम. अब हम जा रहे हैं खुशमा ब्रिज है उस वाले पे जा रहे हैं जहाँ पर हम बाइक्स लेकर जा सकते हैं. इसमें स्पेसिफिकली बाइक्स लेकर नहीं जा सकते. तो इट इज स्टिल 4 kilometers और आई गेस 3 kilometers टू गो. सो लेट्स सी. यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि एंगल क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. How you feel now? Oh,
gosh, I was so scared. Oh my god. They help you, huh? They were like, go, you go first. Since the video taken while crossing the bridge for the first time wasn't giving the whole view, so on our way back, I tried to fit my Insta 360 on another angle to get some different shots. Just wait for it. Oh, by the way, Khushma Bridge is known as one of the world's highest suspension bridge, which is almost 384 feet high. Not only this, it is also Nepal's longest bridge as well, with a span of 344 meters. Is pe chalane se jitna dar lag raha tha, mere khayal mein mujhe jump mein bhi utna dar nahi laga hoga, kyunki bas is baat ka hi khauf rehta tha ki aage se koi bike na aa jaye, kyunki is bridge pe sirf ek taraf se hi bike aa sakti hai. Agar dusri taraf se bhi ek hi waqt pe bike aa jaye to shayad aap phans jayenge. Nonetheless, the experience was great and we thoroughly enjoyed it. मुझे लगा मैंने शायद कहीं मार दी. ऑन आवर वे टू सरंगकोट, बंजी जंप कर ली, खुशमा ब्रिज पे बाइक चला ली. ये हमें सब करना था और ये हम कर चुके हैं. नाउ वी हैव टू रीच बैक टू आवर होटल. अभी दो जगहें और हैं, एक पहवा लेक और एक डेविस वाटरफॉल है. इंशाल्लाह वो हम कल सुबह सुबह जो है ना, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर लीविंग आवर होटल या इवन बिफोर लीविंग आवर होटल हम लोग जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वो हम लोग कर रहे होंगे. अब हम लोग दोबारा से हाईवे वाले रोड पे आ चुके हैं, खुशमा ब्रिज से निकल चुके हैं. देन नाउ वी आर अगेन गोइंग बैक टू पोखरा, क्योंकि हमारा होटल वहाँ पर बुक गया, हमारा सारा सामान वहाँ पर है. तो यस, आई होप कि हम लोग डे लाइट पर पहुँचे. वैसे मुश्किल है कि हमें एक से डेढ़ घंटा या दो घंटे की रास्ते के पूरा जो है ना, इट्स लाइक अ माउंटेनियस एरिया, देयर आर ट्रैफिक कर्व्स, तो काफ़ी जो है ना टाइम लग जाता है इस चक्की. और ऐसे देखते ही देखते हमें रास्ते में ही रात हो गई, मगर क्योंकि हमें कहीं और नहीं जाना था बल्कि होटल ही हमारा नेक्स्ट स्टॉप था, तो हम लोगों ने आराम से बाइक चलाई और रात की ठंडी हवा को भी खूब एंजॉय किया. खुशी वैसे एक और बात की थी, बिकॉज वी वर अबाउट टू मीट अनदर बाइकर हु वाज वेटिंग फॉर अस इन द होटल. इनके बारे में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताएंगे. बस ये समझ ले कि यहां से बाकी का नेपाल ट्रिप इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, वो भी इंडिया से. किसी ने सही कहा है, मोटर बाइक्स नो नो बाउंड्रीज. एनीवे, दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग. अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल. इंशाल्लाह अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे एक नए व्लॉग के साथ. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.